अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह आज मैंने आपको चिंटू और पीनट की हरकतें भी दिखाई और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी रहती है मॉर्निंग वाली। तो बस मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं रखूंगी अपनी चाय और उसके बाद जाऊंगी ब्रश करने, मुंह धोने, उसके बाद में मैं लगाऊंगी तिलावत और वह तब तक हो जाती है मेरी चाय रेडी। चाय और नाश्ता और तिलावत के साथ जितना भी वक्त होता है वो वक्त अपना साथ गुजारती हूँ। उसके बाद फिर दिन में जो भी काम रहता है उसकी शुरुआत करती हूँ। वैसे तो मेरी जिंदगी ऐसी ही थी और मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करती थी जो मुझे अच्छी लगती थी और अचानक मैं आप लोगों को भी वो अच्छा लगने लगा, मैं अच्छी लगने लगी। तो इसी तरीके से हमारी जो जोड़ होता है इस तरीके से हमारी जोड़ बना, हम लोगों की मोहब्बत बनी। जैसे जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूवर्स है, उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं जो लोगों ने मेरी पिक्चर हो या मेरा इमेज हो या मेरा चेहरा जो दिखाने की कोशिश की तो उसको काफी टाइम से इग्नोर कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना यार कि एक क्या बोलते हैं, बर्दाश्त करने की हद भी होती है। तो वो हद के पार हो गई वो बात और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, क्योंकि मैं देखो पहले से ये चीज जानती थी कि कुछ सच्चाई नहीं है, लेकिन जब आज मैं आपसे ये चीज जब आप बोल रहे हो, चलो आप सच्चे हो, तो जब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ तो आप अपना मुंह छुपा के क्यों बैठे हो? अपना मुंह छुपा के, अपना मुंह बंद करके और दुनिया से हट के बैठे हो तो ये क्या मतलब होता है कि इसको क्या समझा जावे? क्योंकि मैं जो समझ पाती थी वो उस हिसाब से सारी चीजों को करती थी इग्नोर। तो मेरे तो खुद ही नहीं समझ, और आज तक सच बोलूं आज तक भी नहीं समझ में आती ये बात। हाँ ये है कि मैं अब खुल के बोलती हूँ और जो भी है अपने हक की बात करती हूँ। तो मुझे कल काफी सारे मेरे ब्लॉग के साथ, मैंने बताया ना मैं मैसेज सारे पढ़ती हूँ, तो मैं वो चीजों में हमेशा शामिल रहती हूँ, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन वो जरूरी है कि लोगों की राय क्या होती है, लोगों की समझ क्या होती है। तो और उसमें जो आपको अच्छा लगे आप वो बात करो। तो हेटर्स भी रहते हैं, चाहने वाले भी रहते हैं, समझाने वाले भी रहते हैं, तो उस बातों को भी लेके कुछ बातें थोड़ी तो करूंगी। लेकिन अभी तो मेरी हुई है मॉर्निंग और मेरे बच्चों की, तो अब मैं जाऊंगी, मेरे बच्चों को पहले नाश्ता दूंगी, मैं नाश्ता करूंगी, उसके बाद दिन भर का जो भी शेड्यूल रहेगा वो शुरू करूंगी। ये वक्त सच्ची में मेरा होता है, जो सुबह का वक्त होता है ना ये सच में मेरा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे चाय, ब्रेकफास्ट और बाहर की अच्छी एकदम ठंडी ठंडी हवा और उसी के साथ साथ मेरी आयत जैसे कुछ भी मैं लगाती हूँ, सूरह यासीन है या फिर कोई भी हदीस है, कुछ भी ऐसी चीज है जो मतलब चाय पीते वक्त खामोशी से मैं सुनती हूँ। तो बस ये वक्त जो होता है ना ये बिल्कुल मेरा वक्त होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं ये जो वक्त है और ये जो चीजें होती है ना, आपके अंदर की जो चीज होती है, जैसे कोई भी चीज हो, हिम्मत बोल लो, ताकत बोलो या एक खुशी बोलो, तो वो आपको बहुत उभर के महसूस होता है। तो बस वही चीज मैं यहाँ पे हमेशा मॉर्निंग मेरी होती है। तो बस कुछ वक्त आया था यार जो कुछ और चीजों में वक्त गुजर रहा था, लेकिन ये वाली जो चीज थी मैंने भले आपके साथ शेयर नहीं की, पर मेरी मॉर्निंग इसी तरीके की होती थी और इंशाल्लाह जिंदा रही तब तक इसी तरीके की होने वाली होगी। जैसे मैं बना रही हूँ आज क्रैप मसाला और चावल की भाकरी, तो ये गरम गरम ही आटा हाथ से मसलना रहता है, तो दोनों हाथों का यूज करती हूँ। देखती तो लाल हो गए मेरे दोनों हाथ। और अभी मैंने कुक रखा है, तो कुक जो है वो ये जो महाराष्ट्र की स्पेशल चीज है वो नहीं बना पाता, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, वो पटना साइड का है, बिहार साइड का है। तो वहाँ की जो चीजें होती है बहुत स्पेशल चीज होती है, तो वो मुझे बनाते रहता है, खिलाते रहता है बनाकर। पर ये कुछ चीजें ऐसी है जो मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको खाना मतलब बच्चों के साथ पसंद करती हूँ, तो इसीलिए ये मैं खुद सब बनाती हूँ। और बाकी रहा मेरा कुक, तो कुक का जो भी है वो दिल्ली वाला, बिहार वाला आइटम जो है वो एक से एक बना के खिलाता है। तो आज मैं मस्त अभी भाकरी बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी बहुत हाथ लाल होके जल रहे, तो थोड़ा सा अभी रुकूंगी, उसके बाद यहाँ बनाऊंगी चावल की भाकरी। पसीने में हो गई लथपथ और ये देखिए ये पूरी भाकरी बनाई हूँ। अब आ गया अमर, तो अमर का काम अभी चालू है, उसके बाद में मैं बनाऊंगी जो मैं बनाने हैं इसके साथ जो खाने वाले हैं हम सी फूड वाला आइटम, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। क्योंकि ये देखो पसीना, देखो इतना सब रोटी बनाते भाकरी बनाते बनाते बहुत थक गई हूँ, तो जा रही हूँ, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी अमर को। अमर का काम होने के बाद फिर मैं मेरा काम शुरू करने वाली हूँ। सुबह से आपको बता रही थी कि किचन में सब अच्छी वाली कुकिंग करूंगी, और उसी के बीच में फिर मैंने थोड़ा दोपहर में जो रिकॉर्डिंग डालने के लिए सब रिकॉर्डिंग सुनी, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई और उसी का असर अभी तक मेरे चेहरे पे है। लेकिन कहते हैं ना कि देखो वो सब जिंदगी है,
और जिंदगी में हर रूप और हर चेहरा आपके सामने आता है तो उसको आपको पार करके ही जिंदगी आगे चलती है। तो बस वो एक कल बीता हुआ कल था, लेकिन कहते हैं ना कि बीता हुआ कल की अच्छाई हो या बुराई, दोनों भी हमारे अंदर से जाती नहीं है। तो बस वो सब रिकॉर्डिंग डालने के बाद बहुत अपसेट थी, तो अमीन और अली ने बहुत मुझे प्यार किए, बहुत समझाए। फिर मैंने बोली कि चलो मैं फिर बनाती हूँ क्रैप मसाला। तो ये देखिए क्रैप मसाला पूरा मेरा रेडी हो रहा है, और यहाँ पे क्रैप भी मैंने पूरे अलग तरीके से ये क्रैप मसाला जो बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में मेरे किचन के चैनल जो है उस पर आपको ये चीजें रेसिपी जो मिलेगी। तो देखते हैं फिर कैसे आपको पसंद आए नहीं आए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं डालूंगी जरूर। चलो बेटा निकाल दो खाना। ये देखिए माशाल्लाह ये है मेरा क्रैप मसाला, और इसके साथ में बिल्कुल कापूस की तरीके से बनाई हुई रोटी, और मेरे हाथों से आप जब मेरा किचन चैनल पे ये रेसिपी देखोगे तो आपको मैंने इसका तरीका भी बताई हूँ, तो बनाना जरूर। और जैसे कि दोपहर में बहुत अच्छा कैसे बना था अमीन, बहुत टेस्टी, बहुत मस्त। मैं तो बहुत चावल की रोटी बहुत खा लिया। हाँ ये इसने अपनी डाइट छोड़ दिया है, बदमाशी अपनी डाइट, और आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि ये डाइट क्यों नहीं कर रहा है आजकल, ये जिम बराबर रेगुलर जा नहीं रहा है, तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे इसके मुझे कीड़ा है ना, इसके बिना चले नहीं ना मेरे को, है ना। दोपहर जो मैंने फिर रिकॉर्डिंग के बाद इतनी ज्यादा अपसेट थी ना, मगरिब होते होते, जैसे मगरिब के पहले असर होता है, और असर का टाइम क्या होता है पता है आपको, जाता हुआ दिन और आता हुआ दिन का बीच का समय रहता है वो, जो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है। और कहते हैं कि वो नमाज में जो भी आप दुआ मांगो, जो भी अल्लाह से मांगो, वो लाजमी कबूल होती है। तो बस मैं हमेशा ये ताजुद की नमाज हो या असर की नमाज हो, बहुत उसको बहुत ज्यादा अहमियत रखती हूँ अपनी जिंदगी में। ऐसे तो हर नमाज अल्लाह ने फर्ज नहीं करी है, चाहे 15 लाख वाली के चर्चे मैंने, या देखो अल्लाह की गैबी मदद, 15 लाख वाली के चर्चे अपने आप मेरे सामने आ रहे। मैंने बोला ना कि मैं शाम को आपसे बात करूंगी ब्लॉग में, जैसे रिकॉर्डिंग में जो डाली थी, 1 साल पहले का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा इसका यूट्यूब पे चैनल पे, 2-3 न्यूज चैनल पे देखा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हर किसी के लिए यही करते, और अभी तो ये सब हवा फैल गई कि भाई हमारे रिलेटिव थे वो, ऐसा कुछ नहीं था, हो गया रिलेटिव थे तो इतना हंगामा, इतनी बातें, और बाप रे बाप कितनी बड़ी दोगली है यार तू। देख मैं आज तो तेरे को ये बोल के खत्म करने वाली, क्योंकि दम नहीं है तेरे में। पुस्की बम तू मुझे बोलती ना, तू है पुस्की बम, और तू है चीटर, और तू है झूठी, क्योंकि जो बाद में तू करेगी आई एम रेडी, जब भी आ जा मैं रेडी हूं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 साल पहले वाला देखा, बाप रे बाप, तू तेरी बेटी और जो भी साथ में बैठे थे, और काफी लेडीज भी थी, यही सब करते क्या तुम लोग, और हर किसी के लिए करते हो क्या ये? मेरे लिए भी यही सब चालू था लगता, अब मेरे समझ में आ रहा है। और आज तो यार एक भिखारन वापस आ गई, नाजायज माँ बाप की नाजायज औलाद, समझी कटेली, तुझे बोलती हूँ क्या बोल रही मैं, कि मैं शेरनी के बच्चे है, हम लोग शेरनी की लड़की है। अबे भगोड़ी भागते फिर रही है, फिर से कटोरा मेरे नाम का लेके आई सामने, और रिकॉर्डिंग सुनाई। अभी देख तेरे लिए ना मैं दूसरा वीडियो और दूसरा ब्लॉग स्पेशल बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तेरी औकात भी नहीं है, तेरी हैसियत भी नहीं है। रिकॉर्डिंग देख मैं डालती हूँ ना, जो आवाज सुनाती हूँ ना, अखी दुनिया उनको जानती है, तो वो वजन वाली बात होती है। अभी तू जो रिकॉर्डिंग डाल रही है, आपको पूछती हूँ YouTube की फैमिली, आप ये चीज पे यकीन करते हो? हेटर्स तो लिखेंगे मुझे, मुझे पता है, आप लिखना, मजा आता है मुझे, आप लोगों की किक लगती है मुझे, किक, तो इसमें कोई दम है? जो अपने मुंह से कटेली बोलती कि मैंने वो बंगड़ी चोर से 25,000 रुपए गूगल पे दे के रिकॉर्डिंग ली, तो ये जो अभी रिकॉर्डिंग सुना रही है, मेरे को तो लगता है ये औरत की तो 500 रुपए की भी औकात नहीं है। तो या तो पूरा एड्रेस डाल, या तो पूरा पिक्चर के साथ डाल, चेहरे के साथ डाल, ताकि मैं भी पहचानूं, तो फिर मजा आवे ना। क्योंकि बात में देख, मैं जब भी बात करती हूँ ना, तो बात में जब दम होता है ना, और जो बात का मैं खुलासा करती हूँ ना कि ये बात में कुछ भी नहीं है, तो मैं बात करती हूँ। तो चल भाई, तेरी औकात भी नहीं है, तेरी हैसियत भी नहीं है, और तेरे पर देने का कुछ बनता भी नहीं है, तो तू पतली गली से निकल ले, तेरे को कुछ भीख मिलने वाली नहीं कटोरे में, क्योंकि वापस कटोरा मेरे नाम का लेकर आई, और मेरे नाम से ही इतने साल से खा रही है,
मेरे नाम से ही लोगों के सामने पहचान मिली है। हाँ ये है कि जो तेरी जबान है ना भाई, वो मेरे तक तो नहीं आ सकती क्योंकि मैं वो चीज में हूं नहीं। हाँ ये है जो तेरे माँ बाप की तरबियत है, जो तेरे माँ बाप का खून है ना तेरे अंदर, वो तेरी जबान में बोलता है। कटेली तुझे बोल रही हूँ। और रहा 15 लाख वाली का, भाई अब देख कितना बोलती हूँ, अब तू बोलती नहीं, अब तो जब आएगी तब बात करेंगे, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी तुम जैसे लोगों के लिए वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। और रहा व्लॉगिंग, तो मुझे ये सब जो चीजें अभी मैंने शुरू की थी ना, तो ये मैं चाहती थी कि ज्यादा ही हो गई थी, तो मैंने अब ठीक है यार चलो थोड़ी सी अपन भी बजाते इनकी, तो बजाना शुरू किया तो सब भागते फिर रहे घूम फिर के आ जाना, सायरा सतानी यही बैठी है ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं, बाकी ब्लॉगिंग तो अभी मूड होगा तो करूंगी, नहीं होगा तो नहीं भी करूंगी, क्योंकि यार ये सब चीजें तो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। और आजकल तो मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, देखो ना मेरे चेहरे का दाग भी कम हो गए, क्योंकि वो बंगड़ी चोर भाग गया ना, वो साले के काला कलर मेरे चेहरे पे आना लग गया था, अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि जो चेहरा काला और पड़ रहा था तो काला कलर ही अल्लाह ने भगा दिया, कि बोले नहीं चाहिए इसके ऊपर काला कलर। मैं हंस के ये सब बातें करती हूँ, लेकिन अल्लाह नहीं करे कभी किसी की जिंदगी में ऐसे नापाक और ऐसे जलील आदमी कभी किसी की जिंदगी में आए, मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र में ये आदमी के अंदर इतनी इतनी चर्बी है, तो ये जवानी में इसने क्या क्या किया होगा अल्लाह ही बेहतर जाने, है ना। और बंगड़ी चोर क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, आया कि नहीं आया, रिकॉर्डिंग भेज, मेरा खर्चा आ जाएगा उधर से। चलो यार बस हो गया, अभी अभी कल से अपन अपनी ब्लॉगिंग करेंगे, ऐसे भी आज मैंने अपनी ब्लॉगिंग करी हो और वापस अपने अवतार में बैठी हूँ, है ना। सैटरडे नाइट गोल्डन नाइट करते हैं कुछ, है ना, मचाते हैं घर में। मेरा मूड बहुत फ्रेश है क्योंकि जो मेरे जानने वाले है ना वो मेरे घर आए थे शाम को, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कर गई मुझे, तो मैं बोलना ही भूल गई आप लोग को, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं आपा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको वहां से कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब ये बंगड़ी चोर से, तो आप खुद भी खुला ले सकते हो। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था ये सब चीजों का, तो अभी वो बता के गए तो अभी उसकी जड़ तक जाऊंगी, और हो सकता है तो खुला लेना या खुला देना उन्होंने कुछ ऐसा बताया तो फाइनल। फिर अपने आंख पे से चिड़ जो है वो सर गटर में, है ना। और क्या बोलते हो, उक्का शुक्का लगाते क्या आज, है ना, गोल्डन नाइट। चलो खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, और हमेशा निडर रहो, और हमेशा अपनी जिंदगी की खुशियों को आगे रखो, बाकी सब पीछे। अगर हम खुश रहेंगे तभी हम सबकी बजा भी सकते हैं, या फिर सबको जवाब भी दे सकते हैं, या सबके सामने एक क्या बोलते ताकतवर इंसान बन के खड़े भी हो सकते। कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा इधर उधर हो गई थी, लेकिन वापस पे इधर आ गई हूँ, ठीक है। तो बस खुश रहिए और हमेशा सबको दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।